अगले 15 मिनट में आपको ग्राफिक डिजाइन के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा फ्रॉम स्क्रैच। ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, ग्राफिक डिजाइन को आप सीख कह सकते हो, हाउ कैन यू गेट पेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर, हाउ कैन यू मेक योर ओन पोर्टफोलियो, इस सब के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड अगर आप एक्साइटेड हो टू बिकम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर इन 2023 तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप द फायर इमोजी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डिजाइन, डिजाइन की फील्ड में आपको आना क्यों है। तो अगर मेरे जैसे आपको भी किसी भी चीज के डिजाइन को देख के क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये डिजाइन ऐसा बना कैसे है, या फिर ये लोगो कैसे बना है, या फिर ये फॉर एग्जाम्पल ये जो नोटबुक है इसका डिजाइन कैसा है एग्जैक्टली, राइट, इफ यू आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स अराउंड यू एंड हाउ आर दे डिजाइन, माई फ्रेंड यू नीड टू लर्न अबाउट डिजाइन। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ग्राफिक डिजाइन, राइट। बहुत सारे डिजाइन होते हैं, फैशन डिजाइन भी होता है। ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी कितनी होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं। नंबर वन, एज अ UI UX डिजाइनर यू कैन इजिली मेक 10 to 12 lakh रुपीज एवरी सिंगल ईयर working in high growth startups in India, but that is as a UI UX designer. It is comparable to developer, right? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप developer नहीं बन पाए तो आप सोचोगे ठीक है मैं designer बन जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। As a designer, you can make just as much as you make as a developer as well. Secondly, you need to understand that designers का काम varies a lot, and because of that, their prices and how much they make also depends. It depends on the kind of client that they are working with, and it also depends on the services and the expertise that they have, right? तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो designers हैं जो एक एक logo का लाख लाख रुपए भी चार्ज करते हैं क्लाइंट से, एंड कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि 1500 या 2000 में भी एक लोगो बना के दे देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट एक्सपर्टीज एंड वर्किंग विद द राइट टाइप ऑफ क्लाइंट, राइट। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट ऑन एवरेज 30,000 to 50,000 पर मंथ इज वॉट द सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर वेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद सम एक्सपीरियंस इन योर पोर्टफोलियो। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट, बट एज यू ग्रो, एज यू स्टार्ट टेकिंग मोर क्लाइंट्स, यू कैन ऑलवेज बी मेकिंग अ लॉट मोर मनी। यू कैन ऑल्सो गेट इन टू द रोल ऑफ डिजाइन कंसल्टेंट, इन विच यू बेसिकली डू पर आर गिग्स and you work with clients and you help them give feedback on how can they improve their design. It could be of the logo, it could be of their website, it could be of their landing page, whatever it might be, you can work as a consultant as well. अब इसके अंदर भी बहुत सारी fields आती हैं। आपको किस तरह का designer बनना है आपको ये पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप एक generic graphic designer बनोगे then people will not have the trust to work with you. You need to have a specialization in any of these verticals. तो ये कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है UI UX डिजाइन, उसके बाद आता है लोगो डिजाइन, उसके बाद आता है पैकेजिंग डिजाइन, उसके बाद आता है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन, राइट। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ऑल ऑफ दीज। UI UX डिजाइन इज व्हाट यू विल सी ऑन एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का एक्सपीरियंस कैसा होता है, किसी भी वेबसाइट के जो कॉन्टेंट है उसको उन्होंने कैसे डिस्प्ले किया हुआ है, एंड आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, एंड हाउ ईजी इट इज फॉर यू टू नेविगेट थ्रू ऑल द ऑप्शंस एंड ऑल द फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट UI UX डिजाइन इज ऑल अबाउट। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 इंटरव्यू मिलेंगे विद UI UX डिजाइनर्स जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए ऑन माई ओन चैनल। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट फील्ड विच इज लोगो डिजाइन। हर कंपनी को अपना एक लोगो चाहिए विच क्रिएट्स इट्स ओन कैरेक्टर, विच क्रिएट्स इट्स ओन वाइब। तो वो लोगो इज वॉट यू विल बी क्रिएटिंग। उसके बाद आता है पैकेजिंग डिजाइन। अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओ तो यू कैन सी दैट एवरी सिंगल प्रोडक्ट हैज अ पैकेजिंग अराउंड इट एंड इट हैज अ प्रॉपर डिजाइन अराउंड इट, राइट। उस पर उसका लोगो होगा, फिर कुछ नीचे टैगलाइन लिखी होगी, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, उसके अराउंड बहुत सारी चीजें बनी होंगी, राइट। इलस्ट्रेशन बने होंगे, कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, कुछ टमाटर बना होगा, कुछ आलू बना होगा, कुछ चिप्स बने होंगे। तो द चॉइस टू शो दैट इज पैकेजिंग डिजाइन, दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। उसके बाद आता है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन। इसमें क्या होता है, यू आर वर्किंग विद अ ब्रांड एंड उस ब्रांड की वैल्यूज एंड उस ब्रांड के बारे में सब कुछ समझ के आप उस ब्रांड की बेसिकली पहचान बना रहे हो इन टर्म्स ऑफ द फॉन्ट दैट द ब्रांड शुड यूज, द कलर द ब्रांड शुड यूज एंड अदर elements and assets that the brand should be using. आप Google पर जाके search करो अपने favorite startup का नाम या अपनी favorite company का नाम and search for their brand identity design and you will see their playbook.
एक बुक होती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि अच्छा ये वाले फॉन्ट यूज़ करने चाहिए, इस तरह का टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी स्टैंड फॉर एंड दिस इज़ व्हाट आर मिशन स्टेटमेंट इज़। इसके बाद आता है हमारा इलस्ट्रेशन, जो कि लोग टैबलेट पे बनाते हैं या फिर अपने आईपैड पे एप्पल पेंसिल के थ्रू बनाते हैं। सो यू कैन गेट इनटू दैट एज वेल, बट यू विल हैव टू डिफाइन कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइन। एक और चीज़ होती है विच इज़ सोशल मीडिया डिज़ाइन, राइट? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया एंड यू वॉन्ट टू learn the art of capturing attention of people on social media, then you should be getting into social media design. Isme aap kya kar rahe hoge, you would basically be creating posters, carousels and designs that are meant for uploading on social media. To aapko bahut hi captivating aur capturing se designs banane honge for your clients. Iske baad we have one more specialization in social media design, and that is a thumbnail designer. Right now, thumbnail design is a very lucrative field in the space of YouTube, because bahut sare creators aa rahe hain aajkal and wo sab realize kar rahe hain ki thumbnail is the most important element for getting people to click on a video, and that is why they are ready to pay a lot of money for thumbnail designers to come up with innovative thumbnails. So these are the type of graphic designers that you can find in the industry. अब अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ठीक है, मैंने कुछ एक्स चीज़ पकड़ ली, जैसे कि मेरे को बनना है लोगो डिज़ाइनर, नेक्स्ट मैं क्या करूँ, वॉट डू आई डू नाउ, मैं सीखूँ कैसे? नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड नॉट मिस। रिगार्डलेस ऑफ वॉट डिज़ाइनर यू वॉन्ट टू बी, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा द बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन, एंड इसके लिए कुछ बेसिक कोर्सेज हैं दैट यू शुड डेफिनेटली बी डूइंग। कोर्सेज आप एक स्पेशलाइजेशन है कार्ल आर्ट्स का ऑन डिज़ाइन, उसके स्पेसिफिक कोर्सेज को आप ऑडिट कर सकते हो एंड यू कैन लर्न अबाउट द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन। इसके बाद जैसा यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज GFX मेंटर, जहाँ पे जाकर के आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे अराउंड फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और एनी अदर टूल दैट यू वॉन्ट टू यूज टू क्रिएट योर ओन डिजाइंस। तो अगेन GFX मेंटर इज वॉट आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ माई स्किल्स फ्रॉम, सो यू शुड डेफिनेटली टेक अ लुक एट हिज चैनल। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट अंश मेहराज UX प्लेलिस्ट इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू द फील्ड ऑफ UI UX। उनकी एक हिंदी में प्लेलिस्ट बना रखी है उन्होंने फॉर you people, so it is an amazing resource, you can have a look at that as well if you want to get into this field of UI UX design. Iske baad ek aur course hai called as Google UX design certificate, bahut acha course hai that you can go through. Isme aapko bahut sare case studies ke through you will understand ki bhai good design aur bad design ke beech mein difference kya hota hai, you will understand ki bhai badi badi companies mein design teams kaise kaam karti hain, how do they collaborate together, how do they work together, and you will be taught by the most experienced designers who are working at top tech companies like Google. एक और YouTube channel that you can check out is Satori Graphics to learn more about design. इसमें आपको सारे tools के बारे में सीख लोगे and it also has a ton of other tutorials around how can you create specific design patterns. इसके बाद if you like using Udemy, Phil Ebener के Udemy पे बहुत सारे courses हैं on Adobe Illustrator, on Adobe XDesign, और Adobe Photoshop, तो आप इन सारे कोर्सेज को करके देख सकते हो और यू कैन पिक द वन दैट यू वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन टू। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट सम सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज एज अ डिजाइनर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू हैव Adobe Photoshop, यू ऑल्सो हैव Canva, उसके बाद यू हैव Figma फॉर UI UX डिजाइन, एंड देन यू ऑल्सो हैव Adobe Firefly विच इज द लेटेस्ट ऐप फ्रॉम Adobe. Using generative AI, it is able to create some amazing designs without you having to do everything yourself. You simply need to give it commands ki bhai aisa bana do ya fir aisa kar do, and you can drag and drop and you can create some amazing designs as you can see on your screen. Not only photos but videos as well. Also with Adobe Photoshop, they have came up with a recent update for generative AI as well. So now you can actually extend an image, right? Agar aap meri itni photo lo, you can actually extend the image and see ki is image ke bahar hota kya hai. But learning how to use AI as a designer will give you the upper edge, will help you get things done faster, and then you can serve many more clients and make a lot more money. So always make sure that you learn about things like Midjourney, you learn about things how to use Adobe Firefly,
यू लर्न हाउ टू यूज अडोबी फोटोशॉप का जनरेटिव फिल वाला जो पार्ट है. सो यू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट. देयर इज ऑल्सो अ फ्री डिजाइन टूल दैट इज सिमिलर टू अडोबी फोटोशॉप कॉल्ड एज photopea.com. अगेन ये सारे साइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट हियर मी आउट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आप photopea यूज करके सारे काम कर सकते हो जो आप अडोबी फोटोशॉप से कर रहे होगे. तो आपने सॉफ्टवेयर समझ लिए, आपने कोर्सेज समझ लिए, अब बात करते हैं कि आपको कौन से बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, राइट. एज अ बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर आपके पास एक 4-5 कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं विच यू नीड टू मास्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज स्पेस टू योर एडवांटेज इन एनी डिजाइन आउट देयर. यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कलर. यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी. कोई भी फॉन्ट कहीं पे भी आता है अगर, तो देर इज अ सर्टन फील विद द फॉन्ट, राइट. अगर आप किसी भी लुई वुटों या फिर आप गुची या फिर आप प्राडा या फिर आप अरमेज के लोगोज को देखोगे, यू विल ऑलवेज सी कि उनके जो लोगोज हैं उनमें ऐसा फॉन्ट यूज किया उन्होंने दैट गिव्स अ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई पीपल हु आर यूजिंग दीज ब्रांड्स आर सुपीरियर देन अदर पीपल, राइट. उनके जो बहुत ही एजेस होते हैं, राइट, उनके सारे लोगोज में यू लुक एट इट प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. दैट गिव्स इट अ वेरी एलीट स्टेटस. अगर आप कोई दूसरा रैंडम सा फॉन्ट यूज करोगे तो इट विल नॉट हैव दैट सेम वाइब. तो द फॉन्ट ऑन द डिजाइन कैन कंप्लीटली चेंज द वे पीपल परसीव इट एंड परसीव इट्स वैल्यू एज वेल. तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक थिंग्स लाइक सैंस सेरिफ क्या होता है, सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं, कौन से फॉन्ट को कब यूज करना बेस्ट है, दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट. अनदर कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ऑफ अ लेआउट ऑफ अ डिजाइन, राइट. किसी भी डिजाइन को आपने कैनवास पे कैसे लेआउट किया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जो भी कोर्स बताया आपको, इन सारे कोर्सेज के थ्रू यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी इजिली. सो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन वट एवर इट इज दैट यू आर लर्निंग एंड देन स्टार्ट ट्राइंग देम आउट ऑन द टूल एज वेल. अब बात करते हैं अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग ग्राफिक डिजाइन एंड दैट इज गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you want to succeed as a designer, you need to get inspired by other people, by the nature, by works of famous artists and designers as well. So what you absolutely need to do is to look out for case studies, right? आप किसी भी लोगो को देखो, आप किसी भी ब्रांड को देखो, जैसे नाइकी हो गया, जैसे विस्तारा हो गया, इन सारे ही ब्रांड के पीछे एक केस स्टडी है, राइट. देयर इज अ डिजाइनर जिसने उस ब्रांड को इस तरह से डिजाइन किया है, ये कलर चूज किया, ये फॉन्ट चूज किया, ये लेआउट चूज किया, इस तरह का इलस्ट्रेशन बनाया. तो इन दीज केस स्टडीज दे विल गो इनटू डेप्थ कि उन्होंने ये क्यों चूज किया या फिर उन्होंने ये क्यों बनाया, एंड दैट विल गिव यू अ डीपर इंसाइट इनटू हाउ डू द बेस्ट डिजाइनर्स ऑफ द वर्ल्ड थिंक, एंड दैट विल हेल्प यू क्रिएट योर ओन थॉट प्रोसेस for how to approach creating a design for any brand out there, right? It can be anything as simple as making a simple notebook that you can see right here, right? All of this requires, jise aap yahan pe dekh sakte ho, there is typography here, there is some illustration here as well, and then there is the logo of the company. So this again is packaging of this notebook. Again, very important thing to do, and you learn all of this once you start taking inspiration from other designers out there. So, बहुत अच्छी platforms है. Number one, you have something called as Dribbble. You also have something called as Behance. इन साइट्स पे बहुत सारे डिजाइनर्स अपने डिजाइंस लगाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं एंड दे ट्राई इंप्रूविंग अपॉन इट एज वेल. इट इज लाइक द इंस्टाग्राम ऑफ डिजाइनर्स. सो यू नीड टू बी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, यू नीड टू बी शेयरिंग योर डिजाइंस एज वेल ताकि आपको भी फीडबैक मिले एंड आपको इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं. मेरे को पता है बहुत सारे केसेस हैं मेरे दोस्तों के हु आर डिजाइनर्स, दे आर जस्ट पुटिंग देयर वर्क आउट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन Behance, ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, and somehow someone who's running a business looks at their design and just hires them outright. This happens a lot. If you have a great design and you're consistently putting things out in front of people, then magic will happen to you. There is a site called as growth.design, which is more specific towards user interface and user experience. Us site pe jaake you can look at the top most famous applications and what enabled these applications to become so famous, like how do they have a very smooth UX and UI. You will be able to understand that, you'll be able to dissect their brand and their case study
विल बी देयर ऑन growth.design, तो वो जाके देखना नंबर वन. नंबर टू, लुक एट द फ्यूचर YouTube चैनल एंड लुक एट देयर पॉडकास्ट. यू विल लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू प्राइज योर वर्क, हाउ टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ बिजनेस एंड नॉट एज अ हॉबीस्ट. हाउ कैन यू अपस्किल योर सेल्फ, हाउ कैन यू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट पोर्टफोलियो. सो द फ्यूचर इज द बेस्ट पॉडकास्ट और द बेस्ट YouTube चैनल दैट यू कैन वॉच. Chris Du is an amazing person that you should definitely look up to if you are in the field of design as well. Moving on, आपको बनाना होगा अपना खुद का एक portfolio. वो कैसे करोगे? You need to start with taking fake brand names. तो आप जाओ ChatGPT पे, वहाँ पे लिखो create a fake brand for a pet food company and also create the mission statement of the company and then once you have the name, once you have the mission statement, the next step is for you to create the logo for it. Create a very basic packaging for it, right? Create all of these things and add it to your portfolio. Ab ye ban gaya aapka portfolio without even you needing to have a freelance client in the first place. Bas ek baar aapke paas 3-4 aise examples aa jaye aapke portfolio mein, the next step is for you to start making your profiles on these freelance platforms. Working as a freelance graphic designer is amazing because you can work with clients around the world, you can work with multiple clients and hence have lesser risk of being unpaid in a single month, right? Your focus should be on working with clients, upgrading yourself and then working with even better clients, right? It is not going to be working 24 hours for just the sake of money. As a beginner designer, your focus should always be how can you upskill yourself. And once you do that, the next step then should be how can you charge even higher for your services. So always make sure that you are in that mindset of upskilling and then charging more for the services that you offer as you create a bigger portfolio of clients as well. Ab ye teesra step bahut important hai and this is what most designers miss. And that is to get yourself a simple domain name. आप नेमचीप पे जाओ, अपना नाम सर्च करो एंड जस्ट बाय दैट योर नेम डॉट कॉम डोमेन नेम, ishanSharma.com डोमेन नेम, उसको खरीद लो एंड देन जस्ट यूज नोशन. वहां पे अपनी सिंपल एक पोर्टफोलियो बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, टॉक अबाउट who you are, why did you get into design, what experience you have as a designer and the work that you've done, all the brands you have worked with and the portfolio that you've created as a result of that. So, sare examples dikhao and then attach this domain name with this Notion file. That is all that you need. It will hardly cost you 500 rupees but will make you look extremely professional and serious to work with businesses. Aisa bahut baar hota hai ki mujhe emails aate hain from a lot of designers but they just have the @gmail wala email, right? I don't even feel that they are serious enough to work with me. Most designers who are actually serious would be sending their own domain name .com email, right? So always make sure that you understand it is all about making sure that the other person takes you seriously, right? And that will only happen agar aap खुद को सीरियसली ले रहे हो. सो यू नीड टू हैव अ डोमेन नेम, यू नीड टू हैव अ साइट ऑफ योर ओन, नोशन यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन जॉइन देम टू. दैट इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू टू लुक प्रोफेशनल इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. चौथा स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टू स्टार्ट लर्निंग एंड शेयरिंग थिंग्स इन पब्लिक. मेरा दोस्त है अनेक जैन एंड वो जो भी ट्रेंड होता है आजकल चल रहा होता है, जैसे CSK जीती तो उसने CSK का एक लोगो बना दिया, right? He is always looking out for how can I create a new logo, how can I create a new design and how can I share it out with the public. That is an amazing mindset to have. You should always be thinking how can you create new logos, new designs and then keep sharing it with your audience, right? Gradually you will start gaining an audience but that is later. What you will also gain is authority on social media platforms. If anyone searches for your name on YouTube or on Google, they should be able to see ki theek hai ye banda dal raha hai videos har din, ye banda dal raha hai post har din apne Instagram pe, means that they are actually serious for business. You can also create case studies of a lot of brands that you know and use every day, right? Mere bahut sare dost hain who have created these UI UX design case studies of a lot of applications, जैसे Bumble हो गया, Tinder हो गया, जैसे ये आपका Netflix हो गया, इस तरह के सारे जो applications हैं, इनके एक case study बना दी कि how are they so successful, और like a review of all of their
features and the way it is laid out for people. Second step, make sure that you are connecting and networking with more designers around you. इससे क्या होगा? You will learn कि भाई market में चल क्या रहा है. You will also learn कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. You will also learn about shortcuts that other designers are using and how can you use the same to get things done faster for yourself. And end mein, once you start creating these networks with designers, it is very easy to pass on work to other designers, and that will open up more business opportunities for you as well. Always remember, think of yourself as a business and not as a normal, you know, student who is just trying to learn some design. Ab jaisa maine bataya that you need to think like a business, you need to also learn how business works. Learn the art of negotiating. Learn कि भाई मैं कैसे किसी भी client से बात करूँगा, किसी भी client को मैं कैसे professional feel कराऊँगा. Learn about invoicing. Invoice कैसे बनाते हैं, invoice के अंदर जो conditions होती हैं वो क्या होती हैं. Right? Learn about contracts. How can you create a great contract for yourself? उसमें कौन सी clauses होते हैं and कौन सी, you know, agreements होते हैं that you need to be aware about. And then also make sure that you take upfront payment. So you need to make sure that you understand all of these things. Learn about strategy, marketing, learn about business, and you will be unstoppable as a graphic designer. Always make sure that you learn these skills, club them together, network, keep up skilling, and you will find yourself on an exponential career growth as a graphic designer. Mera ek podcast hai with Anik Jain, who is also a logo designer. Go check that out if you are interested. If you have not watched it already, pichle mahine maine record kiya tha wo. There's so much to learn from his story, and you will definitely walk away with tons of insights. So go take a look at that podcast if you have not already. But now, let's take a look at the last thing that you need to do. The last step that you need to follow is to start getting work for yourself. Ab dekho, your job as a designer is to put yourself out there. Become a marketing machine which puts yourself out there and your design as well. Don't worry कि लोग क्या बोलेंगे, criticism मिलेगा, लोग बोलेंगे design अच्छा नहीं है या फिर कुछ बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता. People are always giving feedback. People are always sharing how can you improve, how can you get better. So always be in that learner mindset कि अच्छा ठीक है, मेरे को कुछ नया सीखने को मिलेगा, right? सबसे अच्छे platforms to find work for a designer is going to be number one, LinkedIn. बहुत सारे startups हैं जो LinkedIn पर ढूंढते रहते हैं people who they can hire. These can be UI UX designers, these can also be social media designers, so they are always on the lookout for you. So if you will optimize your LinkedIn profile, then it will be easier for them to find you. Check out my LinkedIn complete crash course on YouTube itself, pura free hai, jaake dekh lo, you'll learn a lot on how to optimize a LinkedIn profile. Number two, Twitter. Twitter is an underrated platform, I think. One thing you can do is, as a designer on Twitter, start making threads around designs of popular mobile apps, right? Design choices that certain mobile apps took, why did they took that and how did it help them in the future as well. Bahut sare case study milengi aapko that you can cover, and then you can also start sharing some of your own work. Again, Twitter se aapko bahut sare opportunities mil sakti hain, but you need to put yourself out there and you need to have patience as well. Nothing good will happen in the first week, 2 weeks, 3 weeks. Just accept that. You need to put in the hours, you need to put in the sweat and tears, and only then can you see some result in the next month or two. Instagram bhi ek bahut acha platform hai for finding work as a designer, but I think the next thing you should focus on is to start reaching out to companies that you would want to work with. Just reach out to a company saying that, hey, maine aapki site dekhi, ya fir hey, maine aapka logo dekha, ya fir hey, maine aapka social media ka design dekha, and here are XYZ things that you can change and make it better. Just provide value in the first email as itself. You don't need to wait to get hired and then work. You can work even before that. Isse kya hoga? They will develop trust over you. They will be like, ye banda proactive hai. I want to work with this person. Right? People always love hanging out with proactive people. So doing that on emails can land you a ton of clients as well. Uske alawa, you obviously have a ton of freelance sites. For example, you have Fiverr, you have Upwork, you have Twine, you have People Per Hour, you have, you know, so many sites are there. Contra is one of them. You have many other sites. But the idea here is to build your own brand first, right? To let people come to you instead of you begging for some client to work with you.
right? Never be in a crowded market. Always build up your brand in a way that you appear to be the only person offering that particular offer. Right? Read this book called as 100 Million Offers by Alex Hormozi. इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा around how to pitch yourself, how to sell yourself, how to negotiate, how to market yourself. As a designer, these skills will come in handy and will help you grow your business extremely well. So that was all from me today about design. Description में बहुत सारे links हैं around how can you find the best course, how can you find the best site, how can you start with graphic design, and I hope that you will look at those and become a better designer overall. That was all from me today. Thank you so much for watching. Agar aapko ye video pasand aaye to make sure that you hit the like button and share this video with just one more person. That is all that I ask for. You can also follow me on Instagram at ishansharma7390. Thank you so much. I will see you in the next video. Bye bye.